उत्तराखंड में राजनीतिक उठापटक के बीच बुधवार को जनता को उनका नया सीएम मिल गया है। भाजपा दल की देहरादून में हुई बैठक में तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री चुना गया है। तीरथ सिंह रावत के राजनीतिक करियर की बात करें तो वह उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। खास बात यह है कि 4 साल पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए सतपाल महाराज के लिए तीरथ सिंह रावत का टिकट काट दिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ना तो पार्टी छोड़ी और ना ही पार्टी से बगावत की, बल्कि सतपाल महाराज को जिताने में अहम भूमिका अदा की। तीरथ के धैर्य का ही परिणाम है कि बीजेपी ने उन्हें पहले लोकसभा का टिकट दिया और अब मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी कर दी है। तीरथ सिंह रावत भले ही संघ से जुड़े रहे हैं और एबीवीपी से सियासी सफर शुरू किया हो, लेकिन सियासत में बीएस खंडूरी की उंगली पकड़कर आगे बढ़े हैं। खंडूरी पौड़ी गढ़वाल सीट से जब भी लोकसभा चुनाव लड़े तो तीरथ सिंह रावत ने उनके चुनाव संयोजन की जिम्मेदारी संभाली। 90 के दशक से बीएस खंडूरी और तीरथ सिंह रावत के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। 1997 में बीएस खंडूरी ने तीरथ सिंह रावत को विधान परिषद में टिकट दिलाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था, जिसके बाद वो जीतकर विधान परिषद पहुंचे थे। खंडूरी केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे और साल 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ। ऐसे में बीजेपी की राज्य में सरकार बनी तो नित्यानंद सीएम बने, जिसमें खंडूरी की पैरवी पर ही रावत को कैबिनेट में शामिल किया गया था। साल 2008 में परिसीमन के बाद चौबट्टा खाल सीट वजूद में आई। 2012 में विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी से तीरथ सिंह रावत मैदान में उतरे थे। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हार गए थे। इस बीच तीरथ सिंह रावत चौबट्टा खाल से विधायक चुने गए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता सतपाल महाराज के बीजेपी में आने से तीरथ सिंह रावत का सियासी समीकरण बिगड़ गया और रावत का टिकट कट गया। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत को पौड़ी गढ़वाल सीट पर प्रत्याशी बना दिया, जहां उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु बीएस खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी को 3 लाख वोटों से हराया। तीरथ सिंह रावत के केंद्रीय राजनीति में अभी पहुंचे 1.5 ही साल गुजरे थे कि उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ विधायकों ने बगावत कर दी, जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में बीजेपी आलाकमान ने संघ की पृष्ठभूमि के साथ साथ संगठन और सरकार के अनुभव को देखते हुए तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाने का फैसला किया। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।